सीमेन काउंट एक बहुत ही ग्लोबल सा टर्म है, मींस बोलने का मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है और बोलता है कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि उसने अपना हाल फिलहाल एक स्पर्म काउंट कराया, एंड वो सीमेन काउंट कराने के बाद वो काफ़ी स्ट्रेस में है। सीमेन काउंट के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मीन्स सबसे पहले आपका वॉल्यूम होता है, उसका कलर होता है, उसकी मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी मतलब स्पर्म किस तरह से चल रहा है। मोटिलिटी के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, मीन्स रैपिड प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, नॉन मोटाइल और टोटली जो डेड स्पर्म्स होते हैं, स्लो प्रोग्रेसिव भी होता है, एंड फोर्थली होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स आपका लुक कैसा है। हर स्पर्म का एक हेड होता है, एक नेक होता है और टेल होता है, तो ये देखना पड़ता है कि वो हेड, नेक, टेल तीनों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या सभी में प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको एक एक करके आपको इस चीज़ का वर्णन करते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन कौन पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, या उनमें कुछ बेटर हो सकता है एंड पेशेंट नेचुरल कंसेप्शन कर सकता है, या क्या आपको सीधे IVF के लिए चले जाना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट आता है जिसके कि बाकी सब कुछ नॉर्मल है लेकिन उनके वॉल्यूम कम आते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जो स्पर्म की वॉल्यूम ही बहुत कम है, उस केस में बहुत बार सीमेन एनालिसिस भी ठीक से नहीं हो पाती अगर वो छोटे लैब्स में डालते हैं जाते हैं। उन पेशेंट्स को भी नहीं डरना चाहिए जिनके वॉल्यूम्स कम है, इस केस सेंटर में उन्हें कोई किसी भी IVF सेंटर पे जाना चाहिए, बिकॉज IVF सेंटर में जो कम वॉल्यूम के स्पर्म्स होते हैं उनको हम अच्छे से देख सकते हैं, उनमें हम उनको मीडिया डाल के उनका वॉल्यूम ग्रो करके उनको हम फिर एनालिसिस करके पेशेंट को बता पाते हैं कि उसके अंदर स्पर्म्स आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद हमें उसकी जो स्पर्म आती है उसकी लुक, मतलब कि उसकी जो कलर है वो किस तरह की है। बहुत बार कलर से ही पता चल जाता है कि उसमें पस सेल्स हैं कि नहीं, या उसमें रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर पस सेल्स और रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं तो वो फुल्ली क्योरेबल है आपका। उसके बाद हम आते हैं मोटिलिटी पे, बोलने का मतलब कि ये स्पर्म्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, क्या ये रैपिड प्रोग्रेसिव है। हमें सिर्फ मतलब होता है जो स्पर्म्स होने चाहिए वो रैपिड प्रोग्रेसिव कितने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस जो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म होते हैं वही चल करके आपकी बच्चेदानी के अंदर ऊपर तक जाते हैं और एक एग को कैच करके उसके अंदर, एक तरह से सोचो आप तो ड्रिल करके उसके अंदर उनका हेड घुसता है एंड वो उस एग को मैच्योर मतलब फर्टिलाइज करते हैं और एक एम्ब्रियो बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रैपिड प्रोग्रेसिव काउंट कितने। जैसे पेशेंट्स आते हैं उनके 100 मिलियन काउंट हैं लेकिन ऑल इमोटाइल है, 90% इमोटाइल है, तो उस केस में पेशेंट खुश हो जाते हैं कि मेरे तो 100 मिलियन काउंट है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उनके तो 90% स्पर्म्स चल ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सेकेंडली जो टोटल काउंट है स्पर्म का वो भी एक तरह से मायने रखता है, कितने मिलियन काउंट्स हैं। अगर आपके काउंट्स 20 मिलियन से कम है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट आता है मॉर्फोलॉजी का, मीन स्पर्म का लुक कैसे है। जैसे कि किसी भी पर्सन होता है या बंदा होता है उसका लुक देखते हैं, तो वो लुक भी स्पर्म यानी शुक्राणु के देखने बहुत ज़रूरी है कि आपके हेड में प्रॉब्लम है स्पर्म के, टेल में प्रॉब्लम है, नेक के प्रॉब्लम है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मॉर्फोलॉजी होता है यूजुअली ये इम्प्रूव नहीं करता है स्पर्म का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मॉर्फोलॉजी अगर ख़राब होती है, लेकिन जो WHO का गाइडलाइन है वो बोलता है कि सिर्फ 4% स्पर्म हमें नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का चाहिए होता है, इट्स नॉट कि उससे ज़्यादा हमें चाहिए होता है। जो क्रूगर्स क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, वो बोलता है कि 4% स्पर्म अगर आपके नॉर्मल है, जिनके हेड, नेक और टेल नॉर्मल है, तो आपके नॉर्मल काउंट्स हैं, आपको फिर उसमें डरने की बात नहीं है। अब आते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट को हम लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि एक बार जो आपके स्पर्म के काउंट्स होते हैं उससे आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके शुक्राणु कम है। किसी भी पेशेंट के अगर शुक्राणु निल आ रहे हैं या काउंट्स कम आ रहे हैं तो पेशेंट को 3 times अपने मतलब 3 अपने शुक्राणु का सैंपल देना मैंडेटरी है, ये बताने के पहले कि उसके शुक्राणु कम है। ये 3 जो आप सैंपल देते हो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये एटलीस्ट 72 के गैप पे होना चाहिए, बिकॉज आज जो आपके शुक्राणु बन रहे हैं वो 72 पहले बनते हैं। 72 पहले बने हुए शुक्राणु ही आप लैब में देते हो जिस दिन आप इजैक्युलेट करके देते हो, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली पहले तो हम स्पर्म आपका 3 लेके देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार वो फ्लक्चुएट होते हैं काउंट्स। अगर पेशेंट को फीवर आता है, किसी वजह से वो बीमार चल रहा हो, तो उस वजह से भी उसके काउंट्स फ्लक्चुएट होते हैं।
अब जब आपका असर्टन हो गया कि आपके शुक्राणु कम है, अब अगर उनकी मोटिलिटी कम है तो लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए पेशेंट को बोलते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर किसी भी तरह का वो ड्रग, शराब, किसी भी तरह का नशा करते हैं तो वो बंद करना होता है उनको. साथ में उनको हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी होती है. एक्सरसाइज का इसमें रोल होता है. कुछ कुछ फूड हैबिट्स होते हैं जैसे कि वॉलनट्स हैं, उनका अच्छा इफेक्ट देखा गया है स्पर्म के ऊपर. सेकेंडली कुछ मल्टीविटामिन के आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन होता है जो कि पेशेंट को स्पर्म काउंट्स बढ़ा देता है. और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिनकी बॉर्डरलाइन मोटिलिटी कम होती है वो स्पर्म काउंट्स इन मेडिकेशन पे इम्प्रूव कर जाते हैं और पेशेंट एक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेके आ जाता है. या फिर पेशेंट का एटलीस्ट IUI हो जाता है जिसकी वजह से उसको IVF में नहीं लैंड करना पड़ता है. लेकिन अगर पेशेंट का मॉर्फोलॉजी कम है या पेशेंट के एक भी स्पर्म नहीं आ रहे हैं, शुक्राणु नहीं है, तो उन केस में फिर मेडिसिन लेने का कोई रोल नहीं होता है. उस केस में पेशेंट को डायरेक्टली एक IVF सेंटर पे चले जाना चाहिए और वहाँ अपना जल्दी से जल्दी IVF या ICSI करा लेना चाहिए, क्योंकि वो बेटर होता है करा लेना रादर देन कि आप ये समय जो है वेस्ट कर दो. और मोटिलिटी भी अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो भी नहीं बढ़ती है. बोलने का मतलब अगर आपको मोटिलिटी जितने आपके नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उससे 50% से भी ज़्यादा कम है तो वो नहीं बढ़ेगी मेडिकेशन से. ये मेडिकेशन उन्हीं को फ़ायदा करते हैं जिनकी बॉर्डरलाइन प्रॉब्लम्स हैं या जिनको पस आ रहा है स्पर्म में या ब्लड सेल्स आ रहे हैं या कोई इन्फेक्शन की वजह है, उन्हीं में फ़ायदा करते हैं. रेस्ट ऑल केसेस में आपको IVF सेंटर पे जा करके उनकी मदद लेनी चाहिए. और डेफिनेटली आपके जो बच्चे होंगे वो आप ही के शुक्राणु से पैदा होंगे. जितने जल्दी आप जाओगे उतने जल्दी आपको पिता बनने का सुख हासिल होगा.